ये देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो क्वेश्चन कह रहा है सो दैट 0.235353 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक, तो पहले की तरह सॉल्यूशन, तो जो नंबर दिया उसको एक्स मान लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.235355 जो रिपीट करता है तो हमें पता ही है कैसे कर देते हैं 0.235, तो 35 बार बार रिपीट हो रहा है, 35 पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पर बेटा बार कितने पे है, 2 पे है, तो पिछले क्वेश्चन में बार कितने पे था, आई थिंक 1 पे था, तो हमने किससे मल्टीप्लाई दिया था, 10 से। अब यहाँ पर बार कितने पे, 2 पे, तो हमें मल्टीप्लाई देना है 100 से, जितने बार हो, आई थिंक 2 पे बार है तो 20 जिस पे आता है मतलब 100 पे आता है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई देना है, 100 से। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं पहले, तो एक्स इज इक्वल टू 0.235 इक्वेशन फर्स्ट, तो मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक ना, तो 100 से मल्टीप्लाई दे देते दे, तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 0.235, ऐसा कर दिया इस बार मल्टीप्लाई 100, तो 100x ये बन गया आपका। आप इससे मल्टीप्लाई देंगे तो डेसिमल दो डिजिट आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 23.3। ठीक ना, 23.3, इसमें यहाँ पर बार लगाएं ना, मल्टीप्लाई करें तो बार नहीं लगाएं। ठीक, यहाँ पर कर दिया, अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है, पहले की तरह सब्ट्रैक्शन किया था, सब्ट्रैक्शन ही करना है, तो सब्ट्रैक्ट एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 100x माइनस एक्स 23.3 माइनस एक्स, तो यहाँ से हो गया 99x इज इक्वल टू 23.3, ये वाली x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 23.3 माइनस 0.23y, इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 99x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 233। ठीक, 233 मेरा आंसर हो गया, इनको माइनस करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो कितना आ गया मुझ पर, यहाँ से हो गया 233 है ना, यहाँ करीब करीब जब आप करेंगे तो 0.3 और आ जाएगा, 233.3। ठीक, सही, यहाँ पॉइंट आएगा, ये नहीं आएगा, तो आएगा 233.3। ठीक, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते तो 2 हो गया 233.3 अपॉन 99। ठीक, और पिछली समझे थे आप इस चीज़ को कि एक्स इज इक्वल टू 233 अपॉन 99, इस डेसिमल को हटा देंगे, कितने डिजिट पीछे है, डेसिमल के एक डिजिट पीछे तो 0 लगा देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 233 अपॉन 99। ठीक, तो यानी कि 233 0.235 को हमने किस में कर दिया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, रेशनल नंबर की फॉर्म में कर दिया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके स्कूल में और एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है।